प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत। बालपणात वचनातून प्रश्न केले तू प्रभुजी, गुरु खरा तू कर स्पष्ट ते वचन सदा मलाही। आज का संदेश प्रभु के दास ओएम मैथ्यू बैंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे सुनने वाले सब श्रोतागण को जल दाने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करता हूं। आज का मनन के लिए पुराना नियम का एक किताब है, यशायाह नबी का किताब, इसका 6वां अध्याय 1 से लेकर कुछ पद आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। पहला पद, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्रों के घेरे से मंदिर भर गया। उसे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके छे पंख थे, दो पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और दो से अपने पावों को और दो से उड़ रहे थे। तीसरा पद बहुत ध्यान से सुनिएगा, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। इस भागों में जिस भाग हम लोग पढ़े हैं, परमेश्वर का पवित्रता के बारे में हम लोग देखता है। परमेश्वर का कई गुण है, उसमें से एक श्रेष्ठ गुण है पवित्रता। पुराना नियम में जो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान हम लोग देखते, इधर ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा है। सराफ लोग मतलब स्वर्गदूत है, परमेश्वर ने बनाया हुआ स्वर्गदूत जो 24 घंटा परमेश्वर को आराधना कर रहा, और उन लोग परमेश्वर के सामने हैं, लेकिन उन लोग पूर्ण रीति से परमेश्वर को देख नहीं पा रहे, इसलिए बता रहे छे पंख थे जो सराफ लोग जो स्वर्गदूतों को, दो पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, परमेश्वर को सीधे देख नहीं पा रहा है, और वे दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। क्या कह रहा था? सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। प्यारे भाइयों, 600 से अधिक बार बाइबल में पवित्र शब्द हम लोग देखता है। पवित्रता का मतलब क्या है? बाइबल का परिभाषा है पवित्रता का मतलब अलग किया हुआ लोग है, परमेश्वर के लिए प्रभु का सेवा के लिए अलग किया हुआ लोगों को पवित्र कहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए पापों से, बुराइयों से, इस संसार का दुष्टता से अलग किया हुआ है। बाइबल स्पष्ट बताता परमेश्वर पवित्र है और उसका वचन भी पवित्र है, उसका मार्ग भी पवित्र है, उसका नाम पवित्र है और उसका स्वभाव भी पवित्र है। परमेश्वर के अंदर में कोई बुराई नहीं है, वो पवित्रता से भरपूर है। प्यारे भाइयों, हम लोग कई दिनों से प्रभु का वचन सुन रहा है, भले आप लोग चर्च में जाते होगा, भले आप बाइबल अध्ययन करने वाला होगा, मसीह गीतों को गाने वाला होगा, यह सब हमें कर सकता है,
बिना पवित्रता से यह सब कर सकता है। केवल यीशु का नाम अपना होठों से लेने से आप पवित्र नहीं होता। लेकिन बाइबल कहता है जैसे मैं पवित्र हूं, आपका सारा चाल चलन में पवित्रता होना चाहिए। मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। पगला पत्रस का किताब पगला अध्याय इसका 15 और 16 पद, जो यशया नबी का किताब में जो पवित्र परमेश्वर को देखता है और सराफ लोग स्वर्गदूत लोग जो उस पवित्र परमेश्वर को आराधना करता है, वही सच्चा परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर। प्यारे भाइयों, इसलिए बाइबल बताता है हमारा सारा चाल चलन में, हमारा बोली, हमारा व्यवहार, हमारा हरेक कार्य है, इस कार्यों में पवित्रता होना चाहिए। हम परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ लोग हैं, इसलिए हमारा हरेक चाल चलन, वही बताता है जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। प्यारे भाइयों, मुझे और आपको बुलाया हुआ परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए बाइबल क्या चाहते हैं, हमारा सारा चाल चलन में 100% हम बुराई से अलग होकर पवित्रता का जीवन बिताना है। प्रभु की इच्छा है तो हम इस विषय आगे भी देखेंगे। अपने आप को जरा पवित्र अपने आप को परख करके देखिए, मैं कितना पवित्र जीवन बिताता, बुराई से अलग होकर हम कैसे जीवन बिता रहा है। परमेश्वर आप सबको सहायता करे। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज का इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। बाइबल बताता हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, जो सेनाओं को यहोवा करके सराफ लो पुकार पुकार कर जो उनका पवित्रता का घोषणा कर रहा। वही परमेश्वर कहता है आपका बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए आपका सारा चाल चलन में आप पवित्र बनना। प्रभु हमारा जीवन को परख कर देखने के लिए, बुराई से अलग होकर एक पवित्र जीवन बिताने के लिए सुनने वाला सबको आशीष दे। प्रभु आप हमारा प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में समर्पित करते हैं। सुनना और स्वीकार कीजिए, आमेन।